और बड़ी खबर यह है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 73 लाख के पार हो चुकी है और 24 घंटे में कोरोना के 67,988 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 694 लोगों की मौत हुई है और देश भर में अब तक 1,11,000 से ज्यादा मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। और कोरोना वायरस ने एक बार फिर से फ्रांस को भी बुरी तरह से चपेट में ले लिया है, जिसके बाद सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते फ्रांस के कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए फ्रांस में नए नियमों को लागू किया गया है। फ्रांस के कई बड़े शहरों में शुक्रवार से नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कम से कम 4 हफ्ते नाइट कर्फ्यू रखने का फैसला किया गया है। बार और कैफे को बंद रखने का भी फैसला किया गया है। दूसरी तरफ कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ने से फ्रांस के 4 और शहरों को खास तौर पर अलर्ट कर दिया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।